समृद्धि और खुशहाली का पर्व। हरेला त्योहार मूल रूप से देवभूमि उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सुख समृद्धि हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार इंसानों को प्रकृति से जोड़ता है। हरेला साल में तीन बार मनाया जाता है, पहला चैत्र मास, दूसरा सावन मास व तीसरा अश्विन मास। उत्तराखंड में तो इस त्योहार से ही सावन मास की शुरुआत होती है। सावन के महीने में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, इसीलिए सावन के महीने में इस पर्व के समय दिगारे बनाकर पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। दिगारे या दिगार का अर्थ होता है प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से मूर्ति बनाना। यह मूर्ति मिट्टी कपास व आदि वस्तुओं से बनाई जाती है, पर इसको आग में पकाया नहीं जाता। पूजा अर्चना के बाद इसको पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके साथ हरेला के लगभग 9-10-11 दिन पहले, जो कि आषाढ़ का महीना होता है, उस दिन लगभग 5, 7 या 9 किस्म के अनाज, जो कि गेहूं, जौ, गहत, उड़द आदि को बोया जाता है, जिसके लिए मिट्टी निकालकर घर में ही सुखाई जाती है। और ठीक कर्क संक्रांति का दिन, जो कि सावन मास का सबसे पहला दिन होता है, उस दिन हरेले को काट दिया जाता है। कहा जाता है कि जितना बड़ा हरेला होगा उतनी ही अच्छी फसल होगी। हरेला को काटने के लिए पंडित को बुलाया जाता है या इसे घर के बड़े बुजुर्ग भी काट सकते हैं। कटे हुए हरेले को छत पे रखा जाता है और उसके बाद बड़े बुजुर्ग एक प्यारा सा ही आशीष गीत गाकर छोटों को हरेला लगाते हैं। इसके साथ इस त्योहार के दिन अनेक प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं, इसीलिए हर मनुष्य को खेती से जुड़े रहना चाहिए, हरियाली की पूजा करनी चाहिए, ताकि कभी भी किसी को अनाज की कमी ना पड़ सके। अंत में मैं एक कुमाऊनी आशीष गीत गाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जी रे जागरे, यो दिन यो बार भिटने रे, दुब जस फैल जाए, बरी जस फली जाए।